ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आप सब से आज एक 31st की ये लास्ट रीडिंग है जो कि करने जा रही हूँ, और आप सबको आने वाले साल के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आई होप आप सबका ये साल अच्छा रहा हो और आपने बहुत कुछ सीखा हो, बहुत लर्निंग की हो इस साल में। बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने कुछ बुरी चीज़ें देखी तो उनसे सीखा हो, या आने वाले साल में अपने सीखे हुए एक्सपीरियंसेस को आप आगे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें, ठीक है। सो नए साल में हम फिर मिलेंगे, और ये मैं आने वाले साल से ही नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग बना रही हूँ। अगले 7 days की ये एक रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट की, जिसमें मैं आपकी फिर आपके पार्टनर की, एंड फाइनली मैं फिर डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी इस रीडिंग में आपके लिए। और पर्सनल कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आप मेरे नंबर पर पर्सनल रीडिंग के लिए, तो ये मेरा नंबर है और मैं ही इस पर बात करती हूँ फ्रेंड्स। सो आई विल रिस्पॉन्ड किसी को, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी किसी ने पूछना हो। सो ये पेड रीडिंग्स होती हैं फ्रेंड्स, इसमें हमें आपको कुछ पेमेंट करके ही रीडिंग्स मिलती हैं। ये फ्री रीडिंग्स हैं जो मैं YouTube पे चैनल पे डालती हूँ, बट वहाँ पर अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पेड रीडिंग्स ही मिलेंगी। कोई भी रीडिंग अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है, सन और मून साइन के अकॉर्डिंग होगी। सो जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी सारी रीडिंग को इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी इसी तरह हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, चलिए। सो वर्गो राशि, आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट में अगर आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे, एकदम आपकी बातचीत बंद है, तो सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स निकालती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है फ्रेंड्स आपकी एनर्जी में, 7 of Swords, किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 10 of Cups, पेज ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। सो वर्गो, जहाँ तक मुझे आपके दिख रहे हैं, आप शायद ये जो भी टावर मोमेंट आपके साथ हुआ है, आपको अंदर से ये लगता है कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग चीटिंग की गई है आपके साथ। आपके दिल, आपने शायद उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट समय दिया। अब शायद कुछ लोग तो मैरिड भी हैं इस पर्सन के साथ, आपने उसको घर दिया, बच्चे दिए, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा समय दे दिया इस पर्सन को, लेकिन बदले में इस इंसान ने जो किया है ना आपके साथ, दैट इज़ बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। आपने शायद ऐसा सोचा भी नहीं था, कि सपने में नहीं भी सोचा था कि ये पर्सन आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर देगा, शादी करके आपके साथ इतना धोखा करेगा, या अगर आपके साथ कमिटेड था बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो भी आपके साथ इस तरीके से करेगा। और नो कॉन्टैक्ट में आप इसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा पेन में है। आपने शायद बहुत ज़्यादा समझा ही नहीं कि ये बंदा मेरे जीवन में आकर मेरे साथ, मेरे भावनाओं के साथ, मेरे मन के साथ, मेरे दिल के साथ, मेरे घर परिवार, मेरी इज्जत के साथ खेल के ऐसे चला जाएगा और अल्टीमेटली मुझे बिल्कुल अलोन कर देगा। ज़िंदगी के इस दौराहे पर आज आप 2023 के सबसे आखिरी दिन, जो मैं रीडिंग निकाल रही हूँ कल के लिए, ये मैं हो सकता है शायद आज पोस्ट करूं, हो सकता है कल 1 तारीख को पोस्ट करूं, बिकॉज़ आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़, थोड़ा सा डिले हो सकता है। आज का दिन बहुत टफ था, बहुत काम था, बहुत सारी रीडिंग्स आई बिकॉज ऑफ द ईयर एंड। सो दिस वॉज नॉट ईजी फॉर यू वर्गो, ये टाइम आपके लिए आसान नहीं था। 2003 शायद आपको बहुत कुछ सिखा के गया, बहुत लर्निंग दे के गया। आप अब अपने सपनों को, जैसे कहते हैं ना, पेंट करना चाहते हैं, खुद के बारे में सोचना चाहते हैं, इंट्यूटिव होना चाहते हैं, और अब शायद ये सोचते हैं कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में दोबारा आया, या अगर इसने दोबारा कोशिश करी घुसने की, या मेरे बच्चों को, मेरे घर परिवार को, मेरे लोगों को अगर इसने दुख दिया, देन आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू। इस तरह की एनर्जी में है, आप कुछ खुद नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ हुए इस गलत व्यवहार का बदला लेने जा रहे हैं इसके साथ, बट यस इतना बता दूं, जब ये आएगा आप नहीं छोड़ेंगे इसे।
अगर इसने वापसी करने की कोशिश की, मतलब आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे अगर इसने कुछ कुछ किया। और इस बार जेन्युइनली मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी इसके साथ इसे माफ़ कर देंगे या कुछ ऐसा है। आइए देखते हैं इसकी क्या फीलिंग्स हैं। 10 of cups आया, देख रहे हैं आप इसकी फीलिंग्स में। 7 of pentacles, 4 of swords, 2 of cups। इसकी फीलिंग्स देख रहे हैं हम आपके लिए, द मून। देखिए जितना आपने वर्गो इस पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा हुआ था, कहीं ना कहीं इसकी अब जो आपने इसके साथ 2023 में नो कांटेक्ट में आए, इसको छोड़ा, चाहे इससे बातचीत बंद की, तो इस पे असर तो आएगा ही। जो कहते हैं ना, जब आग लगी है तो धुआं तो होगा ही, तो धुआं तो उठ ही रहा है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी आग लग जाती है और कुछ लोगों के तन बदन में थोड़ा सा समय लगता है कईयों के। तो अब ये भले ही देर से सुलगा हो, पर सुलग तो रहा है ये भी अंदर ही अंदर। और सुलगना इंसान का ऐसा होता है कि वो अंदर ही अंदर घटता है, धीरे धीरे घुटता है, उसको समझ में नहीं आता उसे। जब ये एक ऐसा प्यार करने वाला इंसान जब उसके जीवन से चला जाता है, या बच्चे चले जाते हैं, या बीवी चले जाती है, या पति चला जाता है, तो उसे फिर समझ में आता है कि मैंने जीवन में क्या खोया और क्या पाया, किन किन बेकार की चीज़ों के पीछे दौड़ रहा था और क्या बेकार की चीज़ें मुझे मिली। तो सब छोड़ दिया इसने, खुदा पे छोड़ दिया, भगवान पे छोड़ दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो इसने सब कुछ, ये करने वाला कुछ भी नहीं है ये भी, जैसे वर्गो सोच रहे हैं कि ये आएगा तो मैं इसके साथ ये करूँगी या करूँगा। वर्गो ये कुछ भी नहीं करने वाला, ये बिल्कुल चुप हो के बैठ गया है। इसको पता है कि आपने इससे सच्चे दिल से प्यार किया है, और इसने भी किया था, लेकिन जो इसने धोखा दिया ना आपको, जो इसने अपने आपकी जो आपके साथ जो बेवफाई कर दी है, तो बेवफाई के लिए क्या है, देखो ना, आज 2023 के आखिरी साल में, आखिरी दिन में ये अकेला बैठा है, ये किसी के साथ नहीं है। ये जिन चीज़ों के पीछे भागा, जिन चीज़ों को, जिन लोगों को इसने प्यार दिया, वो इसके साथ नहीं है। क्या है, अपने ही आप को बैठ के टटोल रहा है, अपनी चीज़ों को सोच रहा है, अपने अंदर के चीज़ों के अंदर अंदर घुस घुस के देख रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। एक ऐसा समय आ जाता है ज़िंदगी में जब इंसान करते वक्त तो सोचता नहीं है, लेकिन बाद में उसको बहुत चीज़ें भगवान समय पे याद दिलाता है। उसे कहते हैं कर्म का थप्पड़ पड़ता है जब, तो कर्म का थप्पड़ पड़ रहा है वर्गो राशि आपके पार्टनर को। देखते हैं डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं चैरिटी करें, प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेशन। एक तो अब पूजा पाठ करके भगवान के साथ करें, और अगर आपके आपसे हो सकता है तो थोड़ा सा लोगों को दान दें, लोगों के साथ कनेक्ट करें, जिनको आपकी ज़रूरत है उनको दान दें, ठीक है। अगला देखें क्या है, द डिवाइन इंटरवेंशन एंड पर्पस। सो ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जो ये आप तो कभी भी नहीं इस इंसान को छोड़ते, क्योंकि ये आपके साथ धोखे पे धोखे कर रहा था, आप तो लगे पड़े थे इसको और देते चले जा रहे थे, लेकिन ये जो आपका जो छुड़ाव हुआ है इसके साथ, ये ऊपर वाले ने कराया, उसी ने आपको नो कॉन्टैक्ट में डलवाया है, ठीक है। क्यों, वो चाहता है कि आप खुश रहें, आपकी सारी पॉजिटिविटी को ये तो सक करके निकल जाएगा, एनर्जी सकर है ये पर्सन, ठीक है। एंड फेजेज एंड साइकिल्स का कार्ड आया है, सो एक देर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग। सो एक नई शुरुआत होने वाली है, कहने का मतलब है आपकी ज़िंदगी में जितने भी भ्रम थे, झूठ थे, सच्चाइयाँ थी, सब बाहर इल्यूजन्स निकल गए, सब कुछ टूट गया, सब पता चल गया अब आपको, ठीक है। सो वर्गो राशि ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लेम करके मुझे बताना, कमेंट करना कि रीडिंग मैच किया है कि नहीं किया है। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।